इसलिए उसको साइड की ताकि गैस सिलेंडर के नीचे से गंगानगर क्षेत्र में है और सबसे बड़ी चीज है कि जैसी गर्मी की शुरुआत होती है आपके घरों में सरीसृप का आगमन शुरू हो जाता है। तो यहाँ भी एक बहुत बड़ा हादसा टला है क्योंकि दिन रात गृहिणी ही किचन में काम करती है, तो ये भी किचन में काम कर रही थी और उनको वहाँ पे इतना बड़ा सांप दिखा है कि इनके घबराहट के मारे सीधे बाहर आके बैठी है। तो और यहाँ घर वालों का कहना है कि कम से कम 15 दिनों से वो अपने घर में सांप को ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ दिख रहा है सांप, किसी न किसी तरीके से सांप से मुलाकात हो रही थी। बहुत बड़ा डर का कारण था और एक अच्छी बात ये थी कि किसी के साथ भी कोई हादसा नहीं हुआ है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि सांप कहाँ पर है और ज़्यादातर गृहिणियों के साथ ही हादसा होने का डर क्यों रहता है। लाइट पकड़ना पड़ेगा। खड़ा बस दिखाते हैं भैया। ओके, जगह नहीं ना शूट करने के लिए। ज्यादातर गृहिणियां अपना ज्यादा समय किचन में ही बिताती हैं, तो देखिए सोचो इंसान के डर किसी भी गृहिणी के लिए कितना डर का कारण है कि अगर वो कभी भी इस तरीके से अगर ड्रॉर खोल रही है और एक बड़ा नाग सामने दिख रहा है तो सोचिए उनकी क्या हालत होगी। बाहर से आ रहा है। नहीं नहीं आपके बेटे तक नहीं आने देंगे। सामान का साथ यहाँ से हटाते जाओ। सामान छूट करते नहीं बोले तो कैमरा सामने से तुम्हारे पीछे तो उधर पीछे छेद तो नहीं वहाँ पर नहीं सामने वो मुर्रा वाले काम करें। पहले अपने लिए पूरा जगह बना दूं ना भैया ताकि मेरे साथ हादसा होने। आपके तौर पर नीचे और बीच वाले को लेता है कैमरा, वो देखो ना चढ़ाएंगे अपन। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ तो बैठ के करो। इसलिए उसको साइड की ताकि गैस सिलेंडर के नीचे से निकल जाए पीछे। जाओ उस तरफ मम्मी। कुछ नहीं करे। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अरे अरे
कुछ नहीं करे जी नहीं, बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा सांप आपके घर पर और किसी के साथ भी कुछ भी हादसा नहीं। भोलेनाथ की कृपा ही है एक तरीके से। इस टाइम पे सारे सांप काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों ये सही बात है कि हमारे घरों में धार्मिक आस्था, खासकर हिंदू धर्म में धार्मिक आस्थाओं के चलते में बहुत सारे सरी सिर्फ बच जाते हैं, सांप बच जाते हैं क्योंकि उनको धार्मिक आस्थाओं से जोड़ा जाता है। अगर ऐसा ना हो तो बहुत से सांप इस दुनिया में ना ही बचे। दूसरी बात यह है दोस्तों कि ये बहुत जहरीला सांप है पर इनकी जगह धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही, इसलिए हमारे घरों में नज़र आने लग गए हैं। अगर हम लोग इनके घरों को नहीं बर्बाद करेंगे तो यह हमारे घरों में नहीं आएंगे और किसी के साथ कोई हादसा नहीं होगा। इसलिए हम लोगों को प्रकृति को बचाना है ताकि ये जो जीव है यह हमारे घरों से दूर रहे। तो अगर किसी के साथ भी हादसा होता है तो आप प्लीज़ हॉस्पिटल जाइएगा। सरकारी हॉस्पिटल में ही बहुत अच्छा इलाज होता है, हमारे बिलासपुर में सीम्स स्टिच के लिए बहुत अच्छा है। तो जब भी स्नैक बाइट हो आप लोग हॉस्पिटल ज़रूर जाइएगा, झाड़फूँक देसी इलाज के चक्कर में मत रहिएगा। और अब बरसात का मौसम शुरू हो चुका है तो आप लोग प्लीज़ अलर्ट रहिएगा, मच्छरदानी लगा के सोइए और जितना भी आप लोगों का ड्रेनेज एरिया है सब चीज़ें इसको कवर अप करिए। गार्डन और जितना भी आपका जमा हुआ सामान है इन सबको साफ़ करवाइए ताकि किसी के साथ भी कोई हादसा ना हो। और जब भी आपके घर में सांप निकलता है आप हमको कॉल करिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। थैंक यू, जय बंदी। दोस्तों सही कहा जाता है कि हमेशा हमारे देश में धार्मिक आस्थाओं के चक्कर में बहुत सारे जीव जंतु बच जाते हैं। भले इनके घर में ये सांप निकला था, इनके साथ हादसा होने का डर था, फिर भी ये इसकी पूजा कर रही हैं। तो सनातन धर्म इसलिए बहुत महान है। हाँ देखिए, ये अंकल ने बहुत अच्छी बात कही कि संसार सबका है और इन जीवों का भी पर्यावरण में होना बहुत अति आवश्यक है, तभी हमारा पर्यावरण बचेगा। किचन में वो भोलेनाथ जी को कनेर का फूल चढ़ता है ना, उसी के वो करेगा, आप चिंता मत करिए।